ऐसी भी संवेदना है तो महिलाओं के अपमान, दलितों के अपमान पर लड्डू नहीं बांटे जाते हैं मेरे भाई, शर्म करना। ये लोग जो है गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग बस गुंडियाई में विश्वास रखते हैं, ये लोग हंगामा करते हैं, काम से कोई मतलब नहीं। नीतीश कुमार को दवा खिलाकर पागल किया आरजेडी वाले ने, उनको बाइज्जत इस्तीफा दे दे। देखिए 2024-2025 में जनता दल यूनाइटेड समाप्त होने। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें, जीतन राम मांझी का सनसनीखेज खुलासा, नीतीश को जहरीला पदार्थ खिलाया जा रहा है, किसी को सीएम बनने की जल्दी है, मांझी ने यह बड़ा खुलासा किया है, नीतीश के संस्कार गिर गए हैं, नीतीश को जहरीला पदार्थ खिलाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार के बयान को लेकर जिस तरीके से घमासान जारी है, इसी बीच जीतन राम मांझी का ये बड़ा बयान जिसमें उन्होंने नीतीश को जहरीला पदार्थ खिलाए जाने की बात कही है, क्या कुछ और कहा है जरा सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। तो जीतन राम मांझी को आपने सुना, बड़ा दावा इसमें करते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश को कोई जहरीला पदार्थ दिया जा रहा है। अब इसकी सच्चाई क्या है, इसकी तह में क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये सनसनीखेज दावा करते हुए जीतन राम मांझी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि इस दावे का आधार क्या है, क्या हकीकत है? देखिए, ये किसी को कुछ भी मालूम नहीं है कि नीतीश कुमार कैसे, कब, कहां, क्या खाते हैं, पीते हैं, ये बिल्कुल प्राइवेट बातें होती हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार का सार्वजनिक बयान रहा है, व्यवहार रहा है, उसके बाद से विरोधियों को ये मौका मिल गया है कि नीतीश कुमार पर किस तरह से न सिर्फ आरोप लगाएं, बल्कि उनके जो सहयोगी दल हैं आरजेडी, जिसके नेता तेजस्वी यादव हैं बिहार विधानसभा में, विधान परिषद में, तो वहाँ पर कैसे उन लोगों के बीच में इस बात को आजक जाहिर किया जाए जिसका असर पड़े, और इसी बात को वो आगे भी बढ़ाते रहे कि नीतीश कुमार पर खतरा है, नीतीश कुमार की जान को खतरा है, या उनको ऐसे भोजन दिया जाए। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब आज मिठाई खिलाने को लेकर के हुआ, जब आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन वो मिठाई खिला रहे थे, लोगों को लड्डू बांट रहे थे कि आरक्षण को लेकर, और बांटते बांटते पहुंच गए जो बीजेपी के नेताओं के पास जो धरना दे रहे थे, वहीं पर से दोनों के बीच में झगड़े की शुरुआत हुई। एक ने कहा कि आरक्षण विरोधी है इसलिए ये मिठाई नहीं खा रहे, दूसरे ने कहा कि दलित का अपमान हुआ है और ये लोग जहरीला पदार्थ खिला रहे हैं और हम लोगों को भी जहर दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि नीतीश की जान खतरे में हो। तो ये राजनीतिक तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और ये आगे भी जारी रहेगा। बाकायदा बीजेपी इसकी जांच की भी मांग कर रही है कि इसकी जांच हो कि नीतीश कुमार को जो खाना पीना दिया जा रहा है कहीं उसमें जहर तो नहीं मिलाया जा रहा है। जाहिर है, आप रहिए हमारे साथ प्रकाश। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।